Hi guys, welcome back to our channel Plates, Wheels and Lifestyle. So after a long time, we have again come up with an interior vlog. And one more thing I wanted to tell you all, that thank you to all the subscribers who have subscribed our channel. And हमारा जो इंटीरियर का व्लॉग था, कड़वा का व्लॉग 1BHK, उसका 60,000 व्यूज कंप्लीट हो गया है. सो थैंक यू फॉर दैट. सो आज हम आए हैं डोंबिवली के एक नए कॉम्प्लेक्स में, जिसका नाम है रिजेंसी अनंतम. न्यू ब्रांड न्यू फ्लैट था और हमने इसे कंप्लीट करके ओनर के हाथ में आई थिंक गुड़ी पड़वा को दिया था, राइट? गुड़ी पड़वा को दिया था. So today we have come here to make a vlog of this beautiful home. This is a 2BHK flat and this is on 20th floor. So first of all, we will start with the entrance area as usual. So as you can see behind me, ये है इस flat का entrance area. मेरे अगर आप left side में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहले जो था, मतलब builder ने दिया हुआ था, वो पहले ऐसे look था. And now we have converted it into this. You can see here. So this is the main safety door here. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये exclusively अलग से design की है ये जाली. You can see the details here. Black matte coat किया है हमने इसे. And then आप देख सकते हैं इसके side में, पूरे तीनों side में यहाँ पे paneling की हुई है. और यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ डक्ट डोर, मतलब यहाँ पे जो इनका इलेक्ट्रिकल डक्ट है. सो दिस इज़ अ डक्ट एरिया, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे डक्ट है. सो इसका जो डोर था, उसको हमने यहाँ पे ग्रास का पैनलिंग किया है. एंड दिस इज़ लुकिंग टू ब्यूटिफुल, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा. एंड दिस इज़ अ शू रैक हियर, यू कैन सी हमने यहाँ पे टू लेवल्स में किया है, बिकॉज इसका जो डोर था वो इस लेवल तक था. सो हमने इस लेवल को यूटिलाइज करके वी हैव यूज्ड इट एज अ सिटिंग एरिया. एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरे नीचे शूज के लिए स्पेस है. एंड देन मेरे राइट साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे शूज है. सो दिस इज इनफ स्टोरेज फॉर शूज for a 2BHK flat. You can see here we have used two laminates here. यहाँ पे हमने brown laminate use किया है. And we have created a border here, 2-inch border here, जो यहाँ पे throughout continue होती है और same panel को भी वही continue होता है. And then you can see here, यहाँ पे जाली के यहाँ पे हमने दो ऐसे अलग कटआउट्स क्रिएट किए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे कलर का लैमिनेट है. एंड द सेम ग्रे लैमिनेट वी हैव यूज्ड हियर. आप यहाँ पे जो जाली देख रहे हैं, वो हमने CNC लेज़र कट कराई है, मतलब हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली इनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया था. वी हैड मतलब हमें डिज़ाइन पे वी हैव डिस्कस विद द क्लाइंट्स, तो दे फाइनलाइज दिस वन. एंड दिस इज़ इन टू पीस, जनरली एक पीस में जाली होती है, यहाँ पे हमने टू पीस में जाली क्रिएट की है. सो यू कैन सी इसका जो लुक आता है वो आई थिंक सो इस बिल्डिंग में ऐसा डिज़ाइन नहीं है. सो दिस इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिवली डिज़ाइंड एंट्रेंस एरिया फॉर मिस्टर एंड मिसेस पटवर्धन. यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने ऊपर LED प्रोफाइल LED लगाई है. ओके, इसका जो इफेक्ट है इस ग्रास पैनल के ऊपर और इनकी जो नेम प्लेट है इसके ऊपर, बहुत ही सुंदर आता है. आई थिंक सो हमें अब अंदर जाना चाहिए. सो लेट्स गो टू द लिविंग एरिया. सो यू कैन सी हियर, दिस इज द लिविंग एरिया, वेरी ब्यूटिफुल लिविंग और हॉल एरिया ऑफ दिस फ्लैट. एल शेप ये हॉल है. एंड मतलब आप देख सकते हैं, एंटर करते ही आपको यहाँ पे जो इनका लाउंज एरिया है, यू कैन सी है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सोफ़ा. वंस अगेन वी हैव परचेज इट फ्रॉम द सेम मतलब एरिया मार्केट, जो मैंने आपको पहले बताया था. दिस इज़ फ्रॉम कशेरी भिवंडी. इसका जो हमने फैब्रिक सेलेक्ट किया, दिस इज़ अ टर्कॉइज ग्रीन कलर. सो इस वाइट वॉल के साथ विथ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे अपोजिट साइड में जो ग्रे वॉल है उसके साथ ये बहुत ही सुंदर लगता है. मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं, ये दिस इज़ अ वेरी ह्यूज टीवी वॉल, टीवी यूनिट एरिया यू कैन से. इसका हमने
इस वॉल को दिस टाइम वी हैव नॉट यूज्ड अ पैनल हियर, वी हैव अप्लाइड अ वॉलपेपर हियर. यू कैन सी इसमें ब्यूटीफुल गोल्डन टेक्सचर है जिसके ऊपर लाइट पड़ते ही इसका इफेक्ट बहुत यूनिक आता है. यू कैन सी है ये जो गोल्डन टेक्सचर है विद ग्रे मेन कलर, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है. सो यहाँ पे आप मेरी इस साइड देखेंगे, दिस इज़ अ होल कंप्लीट स्टोरेज एरिया जिसमें पार्ट हम लोगों ने ओपन रखा है एंड पार्ट वी हैव क्लोज्ड इट. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि यहाँ पे जैसे कि हमारा जो टेस्ट है, वी डोंट लाइक टू यूज़ हैंडल्स मच. सो यहाँ पे हमने इस पूरा ये जो यूनिट है हमने हैंडललेस रखा है. जो इसका डोर है वो आप देख सकते हैं, इसके जो मेन डिवाइडर है पोर्शन उससे थोड़ा सा आगे आता है. सो यू गेट अ ग्रिप हेयर एंड यू कैन ओपन दिस. सो वी हैव केप्ट शेल्फ हेयर. सेम थिंग आप नीचे देखेंगे, यहाँ भी स्टोरेज एरिया है एंड देन दिस इज ऑल्सो अ स्टोरेज एरिया. सो नाउ लेट्स कम टू द ओपन सेक्शन ऑफ दिस टीवी यूनिट. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लाइंट है ये उनका ही आइडिया है. यहाँ पे उन्होंने ग्रास के पैनल्स रखे हैं. सो यू कैन सी इसका इफेक्ट बहुत ही सुंदर आता है. उनका जो ओपन सेक्शन है वहाँ पे हम लोगों ने स्पॉटलाइट प्रोवाइड की है, तो आप यहाँ पे जो भी आर्टिफैक्ट रखते हैं वो बहुत अच्छे से हाईलाइट होके आता है. लेट्स कम टू दिस साइड. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही जो हमने लीनियर लॉन्ग हमने पोर्शन यहाँ पे दिया है. सेम थिंग यहाँ पे जो हमारे टीवी के सारे स्विचेस हैं वो उसके अंदर हाइड हो जाते हैं. ओके और उसके जो मतलब प्लग पॉइंट्स हैं वो नीचे हैं एंड स्विचेस वहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वहीं पे हैं. सो वायर आपको यहाँ पे इसके ऊपर कहीं दिखती नहीं है. वहाँ पे हमने ड्रॉवर्स दिए हैं, काफ़ी बड़े ड्रॉवर्स हैं. वंस अगेन यहाँ पे काफ़ी स्पेस है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक बड़ा ड्रॉवर है. एंड वन मोर थिंग कि जो हमने यहाँ पे लैमिनेट्स यूज़ किए हैं, सो दिस इज़ द ब्राउन लैमिनेट, वुडन लैमिनेट जो हमने यूज़ किया है. विद दैट इसको हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे ब्लूइश कलर यूज़ किया है, ग्रीनिश ब्लूइश ये कलर है. इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा सनलाइट में अलग आता है, जो हमारे घर के अंदर के लाइट्स होते हैं उसमें अलग आता है और डे लाइट में थोड़ा सा अलग इफेक्ट आता है. और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो इंटरनल इसका जो लैमिनेट है वो हमने ग्रे कलर का यूज़ किया है, डार्क ग्रे कलर हम लोगों ने लैमिनेट यूज़ किया है. सो इससे जो लुक है वो बहुत ही सुंदर आता है. जो हमने कर्टन्स यूज़ किए हैं वो हमने येलो कलर्स के किए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेयर कर्टन है एंड दिस इज़ ब्लाइंड्स. बहुत ही सुंदर सी बालकनी है जो बिल्डर ने दी है, पर जो क्लाइंट है उन्होंने सजाई इतनी सुंदर है कि नाउ आई एम इन लव विद दिस बालकनी. और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ. सो नाउ आई विल शो यू द बालकनी एरिया. जो रीजेंसी के फ्लैट्स में बिल्डर ने सबको प्रोवाइड किया, आई थिंक 1 BHK 2 BHK दोनों फ्लैट्स को प्रोवाइड किया है. सो आप देख सकते हैं ये इनकी सुंदर सी बालकनी. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने एक झूले का भी प्रोविजन दिया हुआ है. ऊपर हमने ऑलरेडी वहाँ पे हैंग करने के लिए दिया था. और वहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो सीलिंग है वो हमने PVC सीलिंग बनाई है, वुडन मतलब टेक्सचर की. और वहाँ पे हमने दो लाइट्स प्रोवाइड किए हैं वॉर्म वाइट कलर के. और क्लाइंट ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से नेचुरल प्लांट्स रखे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया है. और अगर आप फ्लोर पे देखेंगे दे हैव पुट अ वेरी ब्यूटीफुल अगेन ग्लास ग्रास जो उन्होंने यूज़ किया है, आर्टिफिशियल ग्रास, इससे लुक बहुत ही सुंदर आता है. सो आफ्टर बालकनी लेट्स कम टू द सीलिंग एरिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने फॉल सीलिंग क्रिएट किया है. वंस अगेन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने वॉर्म वाइट और वाइट लाइट्स ये दोनों यूज़ किए हैं. स्पॉटलाइट जो है वो सारे वॉर्म वाइट कलर में हैं. एंड देन हमने यहाँ पे प्रोफाइल LED रन की है जिससे इसका जो इफेक्ट इस वॉलपेपर पे आता है उसे जो वॉलपेपर है बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट होता है. बिकॉज मैंने आपको जैसा कि बताया इसमें गोल्डन टेक्सचर है, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू पुट दिस प्रोफाइल LED. और उसके साथ हमने यहाँ पे स्पॉटलाइट्स भी दिए हैं वॉर्म वाइट कलर में. सेम हमने यहाँ पे इस रूम के तीनों साइड में ये स्पॉटलाइट्स हमने डाले हैं. नाउ लेट्स मूव टू दिस साइड ऑफ दिस लिविंग रूम, द शॉर्टर सेक्शन ऑफ दिस लिविंग रूम. सो ये है
डाइनिंग टेबल, जैसे कि आपको पता है हमारे जो लास्ट व्लॉग्स थे उस पर भी हमने ये डाइनिंग टेबल बनाया था। ये है ऐसे ओपनेबल वाला डाइनिंग टेबल है। आई विल शो यू अगेन कि ये कैसे खुलता है। सो दिस इज़ द वे दिस ओपन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो क्लाइंट है हमारे, जो इस फ्लैट के ओनर है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। यू कैन सी उन्होंने अंदर यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा पेंट किया है। इनका इंस्टाग्राम का हैंडल भी है, वो भी मैं उसके नीचे लिंक डाल दूँगी। गो एंड चेक दोस रील्स, बहुत ही सुंदर रील्स बनाते हैं। और इसका भी रील डाला है। सो अगर आप ये, जब आप ये डाइनिंग टेबल खोल के बैठते हैं तो उसके बाद में ये जो सेक्शन है वो भी दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। और उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे ये चेयर्स परचेज किए हैं। दीज आर सम वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइनर चेयर्स। दो चेयर्स परचेज किए हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा स्पेस डेड नहीं रखनी थी। सो वी हैव परचेज दीज ब्यूटीफुल टर्कोइज ग्रीन चेयर्स, जो कि हमने कशेड़ी भिवंडी से ही लिए थे। जैसे कि हमारा यहाँ पे जो सोफ़ा है वो भी हमने वहीं से लिया था। एंड वन मोर थिंग कि ये स्पेस डेड नहीं लगनी चाहिए, इसके लिए हमने क्लाइंट ने यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा वॉच वॉल क्लॉक यहाँ पे लगाया है। नाउ लेट्स कम टू द वेरी ब्यूटीफुल एंड मतलब इस लिविंग रूम का मेरा फेवरेट पार्ट है, विच इज़ दिस मंदिर एरिया। ओके, तो अभी हम चलते हैं इस मंदिर एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ब्यूटीफुली यहाँ पे उन्होंने डेकोरेट करके रखा है। शाम का वक्त है, दिया जलाया हुआ है और यहाँ पे सबसे बड़ी मूर्ति है गणेश जी की। बहुत ही सुंदर ये मूर्ति है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ब्रास के ये बेल्स यहाँ पे लगाए हैं मंदिर का इफ़ेक्ट आने के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग, ये यहाँ पे एक्रिलिक का सरस्वती का यहाँ पे सिंबल यहाँ पे डिज़ाइन करके लगाया है। दिस आइडिया बिलोंग्स टू द ओनर मिसेस स्नेहल पटवर्धन, जिनका ये घर है, और मुझे आइडिया उनकी बहुत अच्छी लगी है। सो उनका इस घर में पर्सनल टच बहुत ज़्यादा है एंड आई लाइक जब हमारे क्लाइंट्स उनके जो पर्सनल जो उनकी चीज़ें हैं लाइकिंग्स है वो यहाँ पे इनपुट देते हैं। और उसके पीछे आप देख सकते हैं, ये जो लैमिनेट यहाँ पे हमने लगाया है वो ग्रे कलर का कंक्रीट टेक्सचर का लैमिनेट लगाया है। एंड दिस इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल विद दिस ब्राउन लैमिनेट। और उसके साथ हमने यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे हमने ऐसे निश क्रिएट किए हैं और उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रोफाइल LED लगाई है और उसके साथ ऊपर वहाँ पे एक स्पॉटलाइट दिया है। सो ओवरऑल अगर आप दूर से इसका लुक देखते हैं तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट मतलब मंदिर है। और उसके साथ आप नीचे देखेंगे यहाँ पे दो ड्रॉवर्स हैं, बड़े साइज़ के हैं, मतलब आपकी काफ़ी चीज़ें मंदिर की इसमें आ जाती है। और उसके साथ ये जो ब्यूटीफुल यहाँ पे हैंडल है, ब्लैक हैंडल विद ब्रास टेक्सचर, दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल विद दिस कॉन्क्रीट टेक्सचर का लैमिनेट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये मंदिर पसंद आया होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस व्लॉग। सो जैसे ही आप इस पैसेज एरिया में आते हैं, राइट साइड पे यहाँ पे किचन है। यू कैन सी बहुत ही स्पेशियस यहाँ पे किचन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो कलर्स में ये किचन डिज़ाइन किया है। ऊपर का पोर्शन पूरा वाइट में है और नीचे का पोर्शन पूरा बेज कलर में है। और उसके साथ यहाँ पे रोज़ गोल्ड कलर के हैंडल्स हैं, प्रोफाइल एज हैंडल्स। और यहाँ पे जो चैनल लगे हैं वो सॉफ्ट क्लोज चैनल्स हैं। यू कैन सी, आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे सॉफ्ट क्लोज चैनल्स हैं विद स्टील ट्रॉलीज 304 ग्रेड। और नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द स्टोरेज सेक्शन ऑफ दिस किचन। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वंस अगेन जो हमारा एक्वा गार्ड है वो हाइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये ओपन सेक्शन है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, तो जो उनकी रोज़ की चीज़ें हैं जो उनको लगती है वो उनको ओपन चाहिए थे विद सम कप्स एंड ऑल दैट।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोफाइल स्टोरेज है विथ अगेन गोल्ड हैंडल्स. देन वंस अगेन ये एक स्टोरेज है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है क्लाइंट ने. यहाँ पे भी एक स्टोरेज है एंड दिस स्पेस इज फॉर माइक्रोवेव जो ने अभी परचेज करना है, दे हैव नॉट परचेज येट. एंड यू कैन सी यहाँ पे नीचे प्रोफाइल LED हमने डाली है, इससे इस हाईलाइटर का इफेक्ट जो हाईलाइटर टाइल है इससे उठ के आता है. मतलब एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो क्लाइंट को एक्चुअली ये टाइल इतना पसंद नहीं आया था जो बिल्डर ने प्रोवाइड किया था, तो वी सजेस्टेड कि आप ये टाइल मत निकालिए, हम लोग इसको अच्छा बनाएंगे. सो वी हैव पुट अ ब्यूटीफुल LED प्रोफाइल है और उससे इस टाइल का इफेक्ट और खुल के आता है. सो यू डोंट हैव टू एवरी टाइम, मतलब जो खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप कम खर्चे में भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं. ओके नाउ आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज़ अ पैरेलल किचन, तो एक साइड का यहाँ पे उन्होंने सिंक दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा हॉब है किचन में और उसके नीचे यहाँ पे सेम ट्रॉलीज हैं. सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट किचन, मतलब बहुत ज़्यादा फर्नीचर नहीं किया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं की है बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं थी और चिमनी की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो खिड़की है वो साइड में ही है. सो दिस वॉज इनफ फॉर द क्लाइंट. सो नाउ लेट्स मूव टू द पैसेज एरिया ऑफ दिस 2BHK फ्लैट. ओके आप अगर ऊपर देखेंगे तो हमने वही सेम जो हमने लिविंग रूम में वॉलपेपर यूज़ किया था वो हमने सीलिंग में भी यूज़ किया है. ओके मतलब बेसिकली क्या हुआ था कि बच गया था वॉलपेपर, सो दैट कि उसे वेस्ट क्यों करते. सो हमने वही सीलिंग पे वॉलपेपर ने वही यूज़ किया है और यहाँ पे हम लोगों ने सरफेस लाइट लगाए जो कि बिल्डर ने ही प्रोवाइड किए थे, सो वो हमने अच्छे से यूटिलाइज़ किए हैं. नाउ लेट्स कम टू दिस एरिया. ये जो एरिया है ये आपको रीजेंसी के सारे फ्लैट्स में आपको देखने को मिलेगा. सो बहुत बार सबका रिक्वायरमेंट्स होता है वो अलग होता है, कोई कुछ लोग इसे मतलब मंदिर बनाते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसे पूरा पैक भी कर देते हैं पूरा स्टोरेज के हिसाब से. बट वी थॉट आपके कुछ डिज़ाइन करना चाहिए, पूरा पैक करने में कोई पॉइंट नहीं है और क्लाइंट भी उसी हमारे सेम व्यू पॉइंट के थे. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ब्यूटीफुली यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिफैक्ट्स के लिए यहाँ पे जगह क्रिएट की है विद सम स्टोरेज अबव, हाइड्रोलिक स्टोरेज ये आप देख सकते हैं और उसके साथ यहाँ पे नीचे भी कुछ स्टोरेज दिया हुआ है. दिस इज़ वन ड्रॉवर है और यहाँ पे हमने ओपन रखा है बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि अगर उन्होंने कुछ ऐसे स्टूल वगैरह डालना है तो वो ईजिली यहाँ पे डालना आना चाहिए. एंड देन यहाँ पे भी कुछ स्पेस है, हाँ दिस इज़ ओपन स्पेस फॉर टॉवेल्स एंड ऑल दैट. नाउ लेट्स मूव टू द बेडरूम ऑफ दिस फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस 2BHK फ्लैट. सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल बेडरूम, दिस इज चिल्ड्रन बेडरूम. सो वेन यू एंटर इन दिस बेडरूम आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वॉल है, वंस अगेन वी हैव यूटिलाइज दिस कम्प्लीट वॉल है. यहाँ पे वार्डरोब विद स्टोरेज विद स्टडी टेबल और बेड ये सब इसी वॉल में आता है, सो दैट आपको जो रेस्ट ऑफ द स्पेस है वो यहाँ पे आराम से ईजिली फंक्शनिंग के लिए मिलती है. क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि लोग पूरा घर भर देते हैं तो उसके बाद होता है ऐसा है कि आप अगर पूरा घर सिर्फ स्टोरेज में या बेड में भर देते हैं तो उसके बाद आपको घूमने फिरने के लिए जगह नहीं मिलती है. अभी यहाँ पे ऐसा हम लोगों ने डिज़ाइन किया है कि इतना सब स्टोरेज होने के बावजूद भी यू कैन ईजिली मूव हियर, मतलब बच्चा है तो उसको खेलने के लिए भी जगह होनी चाहिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने बहुत ही बड़ा स्टडी टेबल डिज़ाइन किया है. बेसिकली आपको जैसे पता है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो अभी स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब दोनों भी ये जो कपल मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है उनको वर्क फ्रॉम होम होता है, सो विद चाइल्ड जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनके लिए भी ये दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब यहीं पे बैठ के वो सब काम करते हैं. ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने ट्रे जैसा भी क्रिएट किया है, इनका यूज़ इट फॉर कीबोर्ड और सम बुक्स और टू कीप सम बुक्स हैं. उसके बाद यहाँ पे हमने दो ड्रॉवर्स दिए हैं. उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं हमने यहाँ पे फुटरेस्ट डाला है. यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने बहुत सारा स्टोरेज दिया है
एंड यू कैन सी हम लोगों ने जितना हैंडललेस रखने की कोशिश कोशिश की है कि हमने ये जितना हैंडललेस हो सके उतना ये दिखने में अच्छा लगता है. मतलब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कहीं ज़्यादा हैंडलेस नहीं दिखेंगे. यहाँ पे एक हैंडल है, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप देख सकते हैं इसका फुल हाइट है, सो उसके लिए ये हैंडल लगाना ज़रूरी था. यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा स्टोरेज है बच्चे के लिए, दिस इज इनफ फॉर अ चाइल्ड. हुक्स भी दिए हैं यहाँ पे, देयर इज वन ड्रॉवर हेयर. अभी भी काफ़ी खाली है मतलब इनका स्टोरेज, सो देयर इज लॉट ऑफ स्पेस हेयर. उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ओपनिंग स्पेस रखी है और उसके बाद स्पॉटलाइट दिया है एंड दिस साइड यहाँ पे प्रोफाइल LED दी है जस्ट कीप सम थिंग्स. ओके, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस बेड के ऊपर हमने यहाँ पे एक होम टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जस्ट टू गिव सम फील ऑफ मतलब किड्स का रूम है तो ऐसा फील आना चाहिए बच्चे को. सो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ऐसा होम टाइप का एक प्रोफाइल ऐसे हम लोगों ने क्रिएट की है एंड विद दैट उसी हमने ये जो प्रोफाइल है ट्रायंगल की वही हमने कंटिन्यू की है. यू कैन सी यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक फिगर यहाँ पे जो कंटिन्यू की है ऊपर तक ट्रायंगल की, इससे इस रूम में थोड़ा चाइल्ड का टच आता है सो दैट बच्चे को भी लगना चाहिए कि उसका खुद का रूम है ये. एंड अगर आप देखेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि ये बच्चे का रूम है तो ये थोड़ा सा बहुत ही चाइल्डिश होता है कि ऐसा नहीं हो कि 2-3 साल बाद बच्चे को लगे कि भाई ये मेरे हिसाब से ये रूम नहीं है. सो आई हैव केप्ट दैट इन ऑल्सो माइंड एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 साल बाद आपको इंटीरियर बदलना पड़ रहा है इस रूम का. यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने क्लाउड्स के शेप में यहाँ पे हेडबोर्ड क्रिएट किया है. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल हेडबोर्ड हेयर. आप इसके ऑपोजिट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड अ चॉक वॉल ऑफ बेज कलर. दिस आइडिया वॉज फ्रॉम क्लाइंट, उनको ऐसा चाहिए था कि यहाँ पे वो कभी भी कुछ भी बना सके एंड दे कैन रब इट जैसे यहाँ पे स्कूल्स में हुआ करता था पहले. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं उन्होंने अभी फिलहाल ऐसा कुछ बना के रखा है, ड्रीम बिग लिटिल वन फॉर द किड. और यहाँ पे आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही सुंदर कर्टन्स लगाए हैं विद सम एस्ट्रोनॉट इफेक्ट. यू कैन सी सम गैलेक्सीज हेयर, एस्ट्रोनॉट हेयर. सो दिस गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल इफेक्ट टू दिस रूम हेयर. ऊपर आप देख सकते हैं वंस अगेन वी हैव डन फॉल सीलिंग हेयर. यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने LED लगाई है विद बेसिक फॉल सीलिंग, बहुत ज़्यादा नहीं किया है. 4 यहाँ पे लाइट्स हैं, पैनल लाइट्स विद वाइट कलर और 2 स्पॉट्स हैं. मास्टर बेडरूम ऑफ दिस 2BHK फ्लैट. यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये यहाँ पे इनका वार्डरोब है जो यहाँ पे ऑलरेडी वार्डरोब के लिए निश प्रोवाइडेड थी तो उसी स्पेस में हम लोगों ने यहाँ पे वार्डरोब बनाया है. यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 कलर्स यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं विथ यहाँ पे वुडन टेक्सचर की हमने लैमिनेट यूज़ किए हैं विथ डार्क लैमिनेट एंड लाइट लैमिनेट. यहाँ पे आप हैंडल्स देखेंगे तो हमने यहाँ पे वुड के हैंडल्स बनाए हैं. आप देख सकते हैं ये वुड के लैमिनेट्स हैं, बहुत ही बड़े हैंडल्स हमने प्रोवाइड किए हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका पूरा स्टोरेज है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वार्डरोब हेयर विथ इनफ स्टोरेज. ओके, आई विल शो यू द अदर सेक्शन ऑल्सो. Then there is this king size bed here. उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा हेडबोर्ड हमने डिज़ाइन किया है जो कि येलो फैब्रिक में हमने डिज़ाइन किया है. और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने वंस अगेन यहाँ पे प्रोफाइल LED दी है जिससे इस हेडबोर्ड का और इस वॉल का इफेक्ट और उठ के आता है.
बेसिकली क्या है कि लाइट्स जो है वो फर्नीचर का और ओवरऑल रूम का जो इफेक्ट होता है एम्बियंस वो क्रिएट करते हैं. सो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा बेड डालने के बाद भी यहाँ पे बहुत इनफ स्पेस है, आप आराम से घूम सकते हैं. ऐसा नहीं है कि बेड डाल दिया और वंस अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रूम पूरा भर गया. बेड डालने के बाद भी आप यहाँ पे आराम से मूव कर सकते हैं. एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने एक ड्रेसिंग टेबल डिज़ाइन किया है विद साइड टेबल, मतलब साइड टेबल का भी पर्पज़ सॉल्व होता है और ड्रेसिंग टेबल भी पर्पज़ सॉल्व होता है. ड्रेसिंग टेबल है, इसको कोई हैंडल नहीं है. यहाँ पे आप देखेंगे आराम से बहुत सारा स्टोरेज है ड्रेसिंग टेबल में. बैंगल्स के लिए अलग से स्पेस है. उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे उसके ऊपर ही हम लोगों ने स्विच बोर्ड दिया है. देन देर आर ड्रॉवर्स है, उसके अंदर हम लोगों ने सेक्शंस बनाए हैं. देर इज अ सेकेंड ड्रॉवर है. सो दिस इज अ वेरी मिनिमलिस्टिक बेडरूम है. उसके बाद यहाँ पे भी जो हमारा बालकनी एरिया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. और आप देख सकते हैं इसके साथ ये जो कर्टन्स हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के, ब्लूइश ग्रीन कलर के कर्टन्स लगाए हैं जो कि इस येलो के साथ मैच होते हैं कॉन्ट्रास्ट में और बहुत ही अच्छा दिखता है. जो हमारा ये बेड है उसका उसके अंदर बहुत सारा स्टोरेज है. सो बेसिकली दिस इज़ अ स्टोरेज विथ हाइड्रोलिक पम्प. मैं आपको दिखाती हूँ कि ये खुलता कैसे है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इजीली ऐसे खुलता है और इसके अंदर बहुत सारा स्टोरेज एरिया है. आप बहुत बड़ी बड़ी बैग्स वगैरह सब आराम से रख सकते हैं. और ये इजीली क्लोज भी हो जाता है. इस रूम में भी हम लोगों ने फॉल सीलिंग किया है. अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ भी हम लोगों ने फॉल सीलिंग है वो सटल और डिसेंट रखा है बिकॉज दिस इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म. आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी करते हैं तो आपको थोड़े टाइम के बाद आपको वो अच्छा नहीं लगेगा. अगर आप सिंपल रखेंगे तो यू विल फील गुड हेयर. हाई, आई एम स्नेहल एंड ओनर ऑफ दिस ब्यूटिफुल हाउस विच इज़ डन बाई रोहित एंड प्रतीक्षा. एंड एक मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ द वे दे वर्क, देयर एंथुजियाज्म, देयर एनर्जी एंड द इंटरेस्ट विद विच दे वर्क इज़ कमेंडेबल. एंड दे हैव टर्नड अप आवर हाउस वेरी ब्यूटिफुल एंड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर हाउस हैज कम अप वेरी वेरी नाइसली एज आई ड्रीम्ड. एंड वेरी वेरी आई एम वेरी मच थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम. हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है. एवरी टाइम वी एक्चुअली थॉट दैट रोहित एंड प्रतीक्षा आर देयर एंड दे विल टेक दिस थिंग वेरी वेल. विनीत. या हाय, दिस इज विनीत. आई कैन मेंशन द थिंग लाइक और इन कंटिन्यूएशन टू स्नेहल, लाइक हमें पोजीशन ये घर का ऑलमोस्ट फेब्रुवरी एंड में मिला एंड वी आर अराउंड अप्रोच इन अबाउट 15th ऑफ फेब्रुवरी विथ रोहित एंड प्रतीक्षा. सो दे कम अप विथ सम आइडियाज. सो फॉर मी एंड स्नेहल इट्स लाइक एज अ फ्रॉम फर्स्ट आइडिया वॉट दे हैव प्रपोज टू अस, इट्स लाइक एज अ वाव ऑसम. वी आर सीइंग आवर हाउस इन फ्रंट ऑफ आवर आईज इन जस्ट बिकॉज कंप्यूटर. सो दैट टाइम ओनली वी डिसाइडेड दैट वी विल गो विथ दिस टू एंड देन या इन अ कपल ऑफ मंथ्स दे टर्न आवर होम इन टू द रियालिटी विच वी हैव सीन on a computer in the month of February. So very much thank you to Rohit and Pratiksha to make our dreams comes true. Thank you Rohit and Pratiksha. Thank you Rohit and Pratiksha. So guys, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है. और हमारा जो ये 2 BHK का रिजेंसी अनंतम का जो हमारा इंटीरियर का आज का व्लॉग है यहीं पे ख़त्म होता है. एंड आई होप आपको हमारा ये चौथा इंटीरियर का व्लॉग अच्छा लगा होगा. इससे पहले कि अगर आपने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैं उसकी सारी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टिल हेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. एंड अगर आपको ये इंटीरियर व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आपको भी आपके घर का इंटीरियर कराना है सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम. हमने नीचे यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिए हैं. हमारी जो कंपनी का नाम है डिज़ाइन पॉइंट स्टूडियो,
आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें. आपको कोटेशंस चाहिए और आपको रेट जाने हैं तो वी आर ऑलवेज हेयर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. एंड वंस अगेन मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप नए व्यूअर हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. बाय बाय.